हर बार तो आंसू को दिए जेम के दिए कुछ भी नहीं मिला है खाली बोलता है कि मरखी में पांच हजार देंगे शादी में पांच हजार देंगे तो पांच हजार में क्या होता है क्या हम लोग का शादी और मरखी हो जाता है देखिए हम महिला के बीच में जाइएगा जो इतना दिन से राजनीतिक हुआ है तो सबसे पहले तो बात हम लोग को नेगेटिव मिलता है उसके बाद जब हम लोग एक तरफ हेमंत दादा एक एक हजार रूपया सम्मान मैया सम्मान योजना में दे रहे हैं कोई चूल्हा प्रमुख बना के अपना तरफ कोई कर रहा है आप लोग कैसे महिलाओं को कीजिएगा देखिए हम लोग जैसे कि जेंट्स सब रहते हैं तो जैसे कि मिल जाता है पैसा वैसा तो उन लोग का समझ में नहीं आता है मगर महिला इतना है कि जो अपना बाल बच्चा को इतना पढ़ा रही है क्या घटा क्या बढ़ा वो सबसे पहले माँ देखती है कि तो क्या इस बार वोट इधर ही रहने वाला है कि फिर इधर उधर भी हो सकता है जेंट्स का तो नहीं बता पाएंगे लेकिन महिला ऐसा है कि एक नारी सब पे भारी सभी को जोहार दोस्तों अभी हमें रामगढ़ जिला में और बता दें कि अभी रामगढ़ जिला में तमाम प्रखंडों में अभी महिला कमेटी का विस्तार हो गया है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर रामगढ़ जिला महिला मोर्चा का गठन हुआ है तमाम लोगों को पदभार मिल गया है कि आप लोग पंचायत में जाइए और पंचायत में महिला कमेटी का भी गठन करना है क्योंकि चुनाव जो है दो तीन महीना के बाद में होने वाला है इसको लेकर तैयारी जो है अभी जोर शोर से सो चल रहा है तो इसी बीच में अभी देख सकते हैं हम लोग वार्ड नंबर इकतीस में है जो गाँव चेटर पड़ता है और यहाँ पर अभी तमाम महिला मोर्चा की केंद्रीय लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं महिला टीम भी है रामगढ़ जिला की तमाम लोग यहाँ पर है आइए एक एक करके जानते हैं और क्या दिक्कत हो रहा है क्या परेशानी हो रहा है और महिला कमेटी बनाने के पीछे क्या कारण है क्या उद्देश्य है तमाम चीजें जानते हैं सबसे पहले जोहार दी सबसे पहले आपको भी जोहार आपके चैनल को भी जोहार और जितने भी देखते हैं दर्शकों को भी जोहार अपना परिचय और अपना पद थोड़ा बताइए मेरा नाम अनुपम राज हुआ केंद्रीय सचिव केंद्रीय सचिव महिला मोर्चा केंद्रीय सचिव जी अभी आप लोग देख रहे हैं कि लगातार 10-15 दिन से हर प्रखंड में जा रहे हैं पंचायत में पहुंच रहे हैं और महिला लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रखंड वाइज आप लोग जो है महिला कमेटी का भी गठन कर रहे हैं तो क्या गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है आप लोगों का गठन करने का हम लोग का प्रमुख मुख मुद्दा यही है कि जो पिछले बार हम लोग जो सांसद चुनाव जो लड़े थे उसमें कि देखें हम लोग हर प्रखंड हर पंचायत तक नहीं पहुंच सके थे इसलिए हम लोग को निराशा को झेलना पड़ा उसके लिए हम लोग पहले से कोशिश जारी रखे हैं और इसलिए हम लोग प्रखंड और पंचायत तक पहुँचने का काम कर रहे हैं अच्छा महिलाओं के पास जब आप लोग जाते हैं आप लोग बातचीत रखते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है महिलाओं को क्योंकि ये नया पार्टी है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पार्टी हैं धनबल के मामले में आप देखें तो बीजेपी है आसू है कांग्रेस है जे एम है तमाम बड़े बड़े पार्टियाँ हैं उसमें आप टाइगर जयराम महतो के बातों को लेकर जाते हैं तो महिलाओं लोग से किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है पॉजिटिव मिलता है निगेटिव मिलता है देखिए महिला के बीच में जाइएगा जो इतना दिन से राजनीतिक हुआ है तो सबसे पहले तो बात हम लोग को नेगेटिव मिलता है उसके बाद जब हम लोग जयराम भैया के जो हम लोग के सुप्रीमो हैं उनका विचारधारा को रखते हैं तो कहीं ना कहीं दीदी सबको भी समझ में आता है क्योंकि उन तक हम लोग पहले नहीं पहुँच पाए थे जो आजकल हम लोग पहुँच रहे हैं तो वो दीदी सबको भी जब हम लोग अब उनका बातों को रखते हैं तो दीदी सब भी हम लोग को एक्सेप्ट कर लेती है फिर वही बात पॉजिटिव में वो लोग भी बोलती है चलिए अभी हमारे बीच में देख सकते हैं रामगढ़ जिला महिला मोर्चा की ग्रामीण अध्यक्ष उषा कुमारी जी मौजूद है इनसे भी बातचीत करते हैं जोहार दी जोहार आप लोग जब गारा, ग्रामीण में जाते हैं पंचायत पंचायत में जा रहे हैं तो महिलाओं का समर्थन कैसा मिल रहा है पहले ये चीज़ बताइए जैसे कि समर्थन तो जैसे कि नहीं बूझ पाती है तो थोड़ा सा ही होता है मगर हम लोग जयराम दादा का जो विचारधारा है उनको बताते हैं कि विचार को रखते हैं तो सब तो सहमत हो जाती है कि हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य बन रहा है अगर को इतना तेईस साल तो अलग हो गया मगर हम लोग बाल बच्चा का कोई नहीं हो रहा है कितनों पढ़ लिख रहा है मगर कोई अथी पॉजिटिव नहीं हो रहा है मगर जयराम महतो का जो विचारधारा हम लोग दीदी सबको बताते हैं तो सब खुश हो के और इसमें सपोर्ट पूरा करती है यानी कि जब जयराम महतो का विचार उन लोगों पास रखते हैं तो वो लोग जुड़ना चाहती है हाँ पूरा सपोर्ट करती है अच्छा आप ग्रामीण महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं तो क्या मतलब लगता है कि इस बार महिलाओं को पूरा जागरूक कर पाएंगे कि समय कम है दो ढाई महीना बचा हुआ है इलेक्शन हो जाएगा कभी भी आचार संहिता लग जाएगा तो आप लोग कैसा तैयारी है अभी महिलाओं को लेकर पूरा तो हम लोग जोर 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 शोर से पूरा लगे हुए हैं गांव गांव जाकर और जो जिस गांव से नहीं जुड़ी है वो घर घर जाके हर दीदी को अभी बता रहे हैं जागरूक कर रहे हैं दीदी कितना प्रखंड में अभी रामगढ़ जिला में कितना प्रखंड में महिला कमेटी का गठन हो गया है महिला मोर्चा का यहाँ तो रामगढ़ जिला प्रखंड में छः छे है छवों में हो चुका है हो गया है हाँ। यानी कि तब अब जन जागरूकता जो है वो महिलाओं में चलाना बाकी रह गया है यही हाँ सब में और विस्तार भी जो हमारे पंचायत विस्तार है वो कुछ कुछ बाकी है कुछ तो हो चुका है अच्छा एक चीज़ बताइए कि पुरुष लोग तो पैसा में बिक जाते हैं कोई मुर्गा दारू में बिक जाते हैं तो क्या लगता है कि महिलाओं का वोट इस बार आप लोग जो जब जा रहे हैं घर घर समझा रहे हैं तो इस बार मिलने का उम्मीद है जैसे कि जेंट्स सब रहते हैं तो जैसे कि मिल जाता है पैसा उसा तो उन लोग का समझ में नहीं आता है मगर महिला इतना है कि जो अपना बाल बच्चा को इतना पढ़ा रही है क्या घटा क्या बढ़ा वो सबसे पहले माँ देखती है कि क्या है नहीं तो वही के विचारधारा जो जयराम महतो हैं उनको विचारधारा को रखते हैं तो पूरा सपोर्ट कर रही है महिला लोग चलिए तो ये ग्रामीण महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी बाकी बात अभी हम लोग रामगढ़ जिला नगर परिषद कि महिला मोर्चा अध्यक्ष जयंती दीदी से बातचीत करते हैं इधर आइए दीदी ये देखिए इनके गोद में छोटी बच्ची बच्ची है लड़का है लड़की है दी लड़का है लड़का है तो ये देखिए इतना छोटा बच्चा को लेकर अभी पंचायत पंचायत और प्रखंड प्रखंड घूम रही है विस्तार करने को लेकर महिला मोर्चा को लेकर ये चीज बताइए कि आप लोग कमेटी विस्तार करने में क्या दिक्कत हो रहा है या फिर सपोर्ट मिल रहा है महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं होता मिल रहा है जब महिला लोग को बीच में टाइगर जयराम महातो के बात को सुनाते हैं बताते हैं तो क्या उन लोग का रिस्पॉन्स रहता है वो लोग जानती है पहले से कि टाइगर जराम माँ तो कोई शख्स है जो झारखंड को जगाने काम कर रहे हैं कोई ऐसा है महिला जिसको बताने पर वो लोग पहले से जानती होगी हाँ जानती है क्योंकि अभी मोबाइल का जमाना है सब फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम में सब सुनते हैं और हर घर में फोर है फाइव है उसके थ्रू सब सुन लेते हैं तो जानते हैं अगर जयराम दादा का बात विचार लेके जाते हैं बोलते हैं कि हम लोग जे भी कैसे से आए हैं जराम दादा का थोड़ा बात विचार करना है सब काम धाम छोड़ के आके बैठ जाती है हम लोग के पास सपोर्ट करती है रामगढ़ जिला के तमाम प्रखंडों में आप पहुंच रहे हैं जा रहे हैं महिलाओं के साथ में बैठ रहे हैं जन जागरूकता कर रहे हैं इससे कुछ तो आपको पता चल रहा होगा कि इस बार का जो है महिला लोग का क्या भूमिका रामगढ़ में रहने वाला है किस प्रकार का समर्थन मिलेगा क्या कि पहले का 2019 में जो जिस प्रकार से आ, वोट दिया करती थी आ, महिलाएं कभी दूसरा पार्टी में कभी दूसरा पार्टी में इस बार जयराम मातो की बात आप लोग लेके जा रहे हैं तो उन महिलाओं का क्या सपोर्ट मिलेगा बोल रहे हैं तो बोलती है कि वोट वोट देंगे जेबी केसेस को सो? हाँ बोलती हैं बोलती है हाँ सब बोलती है कि जयराम मातो को ही हर बार तो आंसू को दिए जे के दिए कुछ भी नहीं मिला है खाली बोलता है कि मरखी में पाँच देंगे शादी में पाँच देंगे तो पाँच में क्या होता है क्या हम लोग का शादी और मरखी हो जाता है लेकिन जयराम दादा हम लोग का बाल बच्चा भविष्य के बारे में बता रहे हैं इसलिए हम लोग इस चयनित करना है चलिए केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की और एक दीदी इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा इधर आइए दीदी कैमरा में जोहार है स्वागत है यूट्यूब चैनल को भी झारखंडी जोहार करती हूँ आपको आप, सभी दर्शकों को भी मैं झारखंडी जोहार करती हूँ दीदी कहाँ से हैं आप और क्या नाम हुआ मेरा नाम अनीता देवी हुआ ग्राम तोयरा हुआ पोस्ट मांडू हुआ नई पोस्ट मतलब हैसगड़ा हुआ थाना मांडू हुआ जिला रामगढ़ हुआ तो अच्छा ये चीज़ बताइए कि आ, महिला लोग को आप लोग किस प्रकार से जागरूक कीजिएगा कि महिलाओं का वोट जो है आप लोग जे बी केसेस में आए पड़े क्योंकि इसे दो के इलेक्शन में जेबी केसेस नहीं था अभी जे बी केसेस आ गया है यानी जयराम महतो का पार्टी तो क्या महिलाओं का वोट आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे एकदम कर पाएंगे क्योंकि हम लोग घर घर जाके एक्टिव कर रहे हैं घर जाके मतलब रात दिन एक कर रहे हैं तो कुछ तो मेहनत पानी में ज़रूर आएगा नहीं आने का तो बातें नहीं है हाँ चलिए पुरुष लोग तो देखते हैं कि कभी इधर कभी उधर का हो जाते हैं महिला लोग तो इधर उधर जाने क्या बोलते हैं कि इधर उधर हो जाइए क्या अंदाज़ा लगता है आप लोग कहें कि घूमते हैं जब जाते हैं महिला लोगों के बीच में तो आप लोगों को पता चलता होगा आप लोग बैठते भी होंगे तो दो बात महिला महिला के बीच में होता होगा तो क्या इस बार वोट इधर ही रहने वाला है कि फिर इधर उधर भी हो सकता है जेंट्स का तो नहीं बता पाएंगे लेकिन महिला ऐसा है कि एक नारी सब पे भारी जी जी तो इसको हम देखते हैं कि नारी ऐसा है कि जहाँ एक बार कदम रखती है तो कदम सक्सेसफुल होता है हाँ चलिए अभी जो है सात तारीख का प्रोग्राम भी है है टाइगर जयराम दादा का रामगढ़ तो में तो इसमें क्या महिलाओं का किस प्रकार से वहाँ पर भूमिका रहने वाला है अच्छा खासा भीड़ आएगा जी जरूर आएगा कहे ना आएगा जब इतना हम लोग जन जागरूक जो कर रहे हैं तो रंग जरूर आएगा क्योंकि टाइगर जरा मह तो जिस विचारधारा से जुड़े हैं उस विचारधारा को ले महिला बहुत मतलब सुनने के बेताब है चलिए इनसे और एक सवाल ले लेते हैं अभी महिलाओं को लुभाने के लिए बहिया समान योजना चल रहा है कहीं पर चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम चल रहा है तो ऐसे तमाम जो है चुनावी प्रलोभन लोगों के बीच में आ रहा है इसमें आप लोग कैसे महिलाओं को अपने तरफ कन्विंस कीजिएगा क्योंकि एक तरफ हेमंत दादा एक एक हज़ार रुपया सम्मान मैया सम्मान योजना में दे रहे हैं कोई चूल्हा प्रमुख बना के अपना तरफ कोई कर रहा है आप लोग कैसे महिलाओं को कीजिएगा देखिए हम लोग पार्टी में ना पैसा है ना कोई चीज़ मतलब उसके पास बेरोजगार है तो जो झारखंड में बेरोजगार है उसको जागने के लिए जगाने के लिए हम लोग बेरोजगार ही काफ़ी है का है कि हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं तो फालतू नहीं कर रहे हैं। यानी आप लोग विचार के माध्यम से लोगों को विचार अंदर डालिएगा और विचार के माध्यम से आप लोग अपने तरफ कन्वेंस कीजिएगा प्रयास करेंगे तो देख सकते हैं तमाम ये जो है केंद्रीय कमेटी के टीम लोग आज यहाँ पर आए हुए थे कमेटी विस्तार करने के लिए और रामगढ़ जिला महिला मोर्चा के तमाम सदस्य लोग यहाँ पर आज कमेटी विस्तार सफलतापूर्वक कर लिए हैं बाकी बात इन लोगों का कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें महिलाओं का अहम भूमिका रहने वाला है बाकी बात ये तो समय बताएगा कि कितना भूमिका रहने वाला है महिलाओं को ये तो वक्त बताएगा और हम भी आगे वीडियो के माध्यम से दिखाएँगे फिलहाल इतना ही बस मिलते हैं वीडियो के माध्यम से तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड